चस्के भी करने और मेहनत भी नहीं करनी आजकल सारे दा ही स्यापा है। कोई मसला नहीं, ये ड्रिंक सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगा और इसमें आपकी जरा भी मेहनत नहीं लगेगी। मैं आपके लिए बना रहा हूँ जी इंस्टेंट कोल्ड कॉफी। अगर आपने आज से पहले कभी भी ये डिलीशियस ड्रिंक नहीं पिया तो भाई साहब कोई फायदा नहीं था जीन का। अच्छा अच्छा, मेरी गल बहुत सीरियस ना लेना, फटाफट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो फिर। अच्छा, तो जूसर जग तो हर घर में होता है। जूसर जग आपने ले लेना, उसमें हमने 1.5 गिलास दूध शामिल करना है, ठीक है। फ्रीजर का ठंडा दूध इस्तेमाल करना है, फुल फैट फुल क्रीम दूध जो है वो इसमें डालें। तो हम 2 गिलास कोल्ड कॉफी बना रहे हैं, उसके लिए हमने 1.5 गिलास दूध शामिल कर देना है, ठीक हो गया जी। बाकी चीजें भी तो डालनी है ना, तो 2 गिलास आराम से हो जाएंगे, बल्कि ज्यादा ही हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूध इसमें चला गया, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून आपने चीनी के डाल देने हैं, ठीक है। बस इतनी चीनी परफेक्ट होगी, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, फिर आपको मजा नहीं आएगा। चलें जी, यहाँ पे इसको मजीद ठंडा करने के लिए ना हम इसमें बर्फ डालेंगे, ठीक है, क्योंकि बर्फ जब इसके अंदर ब्लेंड होगी ना तो आइस के छोटे छोटे क्रश स्लश की तरह बनेगी, बड़े मजेदार लगते हैं। और ये ड्रिंक जितना चिल होगा ना उतना ही ज्यादा ये डिलीशियस होगा, बेहतरीन हो गया जी। उसके बाद ये देखिए, ये है नेस्कैफे का 3-in-1 इंस्टेंट कॉफी साशे। वैसे तो ये हॉट कॉफी बनाने के लिए, लेकिन बेफिक्र हो जाए, इसकी आपकी कोल्ड कॉफी इतनी यमी बनेगी कि आप बाकी सारे झंझटों को भूल जाएंगे और इसी तरह से हमेशा कोल्ड कॉफी घर पे बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे जी कॉफी जो है वो गर्म होती है तो गर्मियों में नहीं पीनी चाहिए। तो भाई साहब, ये वीडियो खत्म होने के बाद ना तुसी जरा मनु बाहर मिलना, बाकी लोग तसल्ली से बैठ के वीडियो देखेंगे। नेस्कैफे के 3-in-1 के 2 साशे मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। हम लोग 2 गिलास कोल्ड कॉफी बना रहे हैं तो 2 साशे इसमें काफी रहेंगे। और ये नेस्कैफे का 3-in-1 साशे कोई महंगा भी नहीं है, 45 रुपीज का एक मिल जाता है। नोट, नेस्कैफे की तरफ से ये पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। चलें जब इसमें जाएगी जी जादुई चीज वो है जी कुल्फा आइसक्रीम। ये बहुत ही जरूरी है, अगर आपने कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में कोल्ड कॉफी पी है तो वो बड़ी क्रीमी और बड़ी फ्लफी फ्लफी होती है, वो आइसक्रीम की वजह से होती है। तो 2 गिलास कोल्ड कॉफी बना रहे तो उसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून हम लोगों ने आइसक्रीम, कुल्फा आइसक्रीम शामिल कर देनी है, ठीक है। और किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें जी, फिलहाल तो यही सारी चीजें थी, अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के मशीन को चला देंगे। अभी आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, 2 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स अभी रहते हैं। तो जनाब, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली दफा आए और वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो भाई साहब ईमानदारी के साथ मेरे चैनल फूड फिक्शन बाय अवैस यार को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मुझे पता है वीडियो को एंजॉय कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो जनाब एक कसम भी आज तोड़ दियो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमारी कोल्ड कॉफी बड़े अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे ब्लेंड हो गई है। मशीन को कर देंगे बंद और जग को यहाँ से उतार लेंगे और इस सारे लिक्विड को जी हम डाल देंगे जी सर्विंग जग के अंदर। इसकी लुक पे ना जाना, एक दफा बना के देखो, आप खुद ही कहोगे जी किसी ने कोई चीज बताई थी। पहले तो मैं इसके ऊपर डेकोरेशन और फ्रॉस्टिंग भी करने लगा था लेकिन आपकी वजह से मैंने नहीं की, क्योंकि फिर आप समझते हैं ये बड़ी महंगी चीज है, ऐसी कितों बनानी। टेंशन ना लिया करें, मैं आपके लिए आसान और सस्ती रेसिपी तो लेके आता हूँ। चलिए जी, लिक्विड हमारा सर्विंग जग में चला गया, अब इसके ऊपर हम आइसक्रीम की टॉपिंग करेंगे। ये आइसक्रीम जब हल्की हल्की मेल्ट होगी, आपके ड्रिंक के अंदर मिक्स होगी ना, तो क्या स्वाद आएगा भाई साहब, सोच के ही मजा आ जाता है, बेहतरीन हो गया। इसको इस तरह से चम्मच के साथ ऊपर वाली सरफेस को बैलेंस कर ले। अब यहाँ पे जो हमारे पास इंस्टेंट कॉफी का पाउडर था ना, वो थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे, इससे क्या होगा इसकी थोड़ी सी लुक में इजाफा हो जाएगा। इसके अंदर लगाएंगे जी खूबसूरत सा स्ट्रो, हमारे डिलीशियस कोल्ड कॉफी का मग जो है बिल्कुल तैयार है। अगर आपने इसके मजे को डबल करना है ना तो भाई साहब इस कंडीशन के ऊपर आप उठा के इसको सीधा फ्रीजर में रख दे तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए और उसके बाद एंजॉय करें। और एंजॉय करते करते मुझे ना भूल जाना, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरी आज की इंस्टेंट कोल्ड कॉफी की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। इसके अलावा पुलाव, चाय, कोफ्ता, सैलड, बिरयानी, कलेजी, दाल, चावल, डेजर्ट की रेसिपी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें, आपको बहुत मजा आएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।